Okay, so we have revised the concept that we have studied in previous class. Now let us understand something which is related to our syllabus. We will study the concept of sector of a circle. We will study the concept of sector of a circle. Now sector of a circle ka kya matlab hota hai? Aapne pizza khaya hai, aapne cake khaya hai. पिज्जा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पिज्जा कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप में होता है, और इस सर्कुलर शेप में होने के बाद अब ये पिज्जा पूरा एक पीस तो नहीं होता, एक सर्कुलर शेप ऐसा एक पूरा सर्कल नहीं होता, इस पिज्जा को काटा जाता है। इस पिज्जा को जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद वी फाइंड इस तरह से इसे कट किया जाता है एंड इसे डिवाइड किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पीसेज में। ओके, व्हाट यू कैन सी, पिज्जा एक सर्कुलर डिस्क जैसा है, एक सर्कल जैसा है। इस सर्कल को हमने कट किया, एक इस तरह से कट किया, एक इस तरह से कट किया और एक इस तरह से कट किया, तो ये 6 पार्ट्स में पिज्जा ब्रेक हो गया। सिमिलरली जब हम केक को कट करते हैं तो केक भी सर्कुलर होता है। ओके, केक, इन द केक ऑल्सो व्हाट यू विल फाइंड इज, जब हम इसे कट करेंगे कुछ इस तरह से, देन इस तरह से, देन इस तरह से, सो अगेन यू विल फाइंड देर आर 6 parts made of this cake, like this. These are the 6 parts of this cake. And when you pick any part of the cake or when you pick any part of the pizza, agar main is pizza ka ek tukda uthaun, ek piece uthata hun, ya fir is cake ka ek piece uthata hun, to wo piece kuch is tarah ke shape ka dikhai deta hai, like this. कुछ इस तरह के शेप का दिखाई देता है। केक का भी पीस कुछ इस तरह के शेप का दिखाई देता है, लाइक दिस। इन पीस को देख के हमें ऐसा लग रहा है, इन पीस को देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस पीस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, दिस पीस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, दिस फिगर इज टेकन आउट फ्रॉम अ सर्कल। ओके, ये क्या है, ये एक सर्कल से निकला हुआ पार्ट है। इस तरह के पार्ट को, इस तरह के फिगर को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इस तरह के पार्ट्स को हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये सेक्टर दिख कैसा रहा है, ये सेक्टर अगर मैं एक सर्कल में, अगर इस तरह से एक सर्कल में मैं सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करूं, लाइक दिस, लेट अस से दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, अगर मैं एक सेंटर से, एक सर्कल के सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करूं, लेट अस से द रेडियस इज आर, लेट अस से द रेडियस इज आर, तब हम कहेंगे कि एरिया कंटेंड बिटवीन दीज 2 रेडियसेस रेडाई, the area contained between these 2 radii, that is this area, is known as sector of circle. Okay, और इस sector को हम नाम कैसे देंगे, इस sector को हम कहेंगे sector A, B और इस तरह से arc. Okay, this A, B arc represents सेक्टर ए बी। ओके, इसे हम सेक्टर कहते हैं। सेक्टर ए बी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये पूरा सेक्टर है, सो दिस इज ए बी सेक्टर। नाउ ये हुआ एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेक्टर। अब अगर हम इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं, सो ये हमारा फिगर है, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करते हैं।
दिस इज अवर फिगर ओके, और इन दिस फिगर मैंने ओ पॉइंट सेंटर से एक ओ ए रेडियस बनाया और एक ओ बी रेडियस बनाया। नाउ जब मैंने कहा कि सेक्टर ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल विच इज कंटेन्ड इन ओ ए एंड ओ बी। अब अगर मैं ओ ए एंड ओ बी को ध्यान से देखूं तो इसमें दो एरिया कवर हो रहे हैं, कौन से? एक पार्ट तो ये वाला आ गया, दिस इज ओ, दिस इज बी, दिस इज ए बी, ओ ए बी, और इस पार्ट को निकालने के बाद जो पार्ट बचा वो कैसा था? दैट इज समथिंग लाइक दिस। जो पार्ट बचा रह गया वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा, दिस इज ओ एंड दिस इज बी। नाउ इफ आई से सेक्टर मीन्स द एरिया कंटेन्ड बिटवीन द रेडाई ए एंड ओ ए एंड ओ बी, सो दिस कैन ऑल्सो बी द एरिया एंड दिस कैन ऑल्सो बी द एरिया। जब मैं कह रहा हूं कि ओ ए एंड ओ बी रेडाई के बीच में जो एरिया आ रहा है, सो दैट एरिया कैन बी दिस वन ऑल्सो और दैट एरिया कैन बी दिस वन ऑल्सो। ये एरिया भी ओ ए एंड ओ बी के अंदर ही आ रहा है और ये एरिया भी ओ ए एंड ओ बी के अंदर ही आ रहा है, तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तब हम कहेंगे कि ये जो एरिया बना है, ये जो सेक्टर बना है, इस सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर और जो पार्ट बचा रह गया सर्कल का उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ओके, व्हाई? बिकॉज ये जो है, अगर आप ए बी को ध्यान से देखेंगे तो ए बी इज व्हाट, ए बी इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, हम आर्क को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने ए बी इस तरह से लिखा, मींस सेक्टर की बात कर रहा हूं। कौन सा सेक्टर? ए बी। ए बी सेक्टर बना कैसे है? ए बी सेक्टर बना है इस ए बी आर्क से, इस आर्क से ए बी सेक्टर बना है। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, यू नो व्हाट इज आर्क। ओके, फ्रॉम दिस आर्क, और मैं ए बी आर्क को ये वाला भी बता सकता हूं और आई कैन से ये भी ए बी आर्क ही कहलाएगी, बस द डिफरेंस इज दिस इज द माइनर आर्क, दिस इज द मेजर आर्क। ओके, दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क। सो ये हुआ आर्क और सेक्टर के बीच में रिलेशन। अगर मैंने इस तरह से लिखा, सो इट मींस इट इज एन एरिया ऑफ सेक्टर, और मैं कह सकता हूं इट रिप्रेजेंट्स आर्क ए बी। आर्क ए बी माइनर और मेजर कोई सी भी हो सकती है। नाउ फिर इस आर्क को मैं, इस एरिया को मैं कैसे बताऊंगा? जब माइनर आर्क की बात करेंगे तब आई विल राइट इट रिप्रेजेंट्स माइनर ए बी आर्क, इसे हम कहेंगे मेजर ए बी आर्क। सो दिस इज माइनर ए बी आर्क, दिस इज मेजर ए बी आर्क। दोनों में डिफरेंस क्या है हम क्लियरली देख सकते हैं, ये आर्क छोटी है, ये आर्क बड़ी है। ओके, नाउ सो अभी हमने ये देखा कि सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर होता क्या है, सेक्टर मतलब ये वाला पार्ट, एरिया कंटेन्ड बिटवीन टू रेडाई ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ फ्रॉम दिस सेक्टर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर, सो इफ आई टेल यू टू डिटरमाइन एरिया ऑफ सेक्टर, नाउ क्योंकि हमने सेक्टर को समझ लिया है, सेक्टर मतलब केक का पीस या फिर पिज्जा का पीस, सो सेक्टर को आप कैसे याद रख सकते हैं? आइदर फ्रॉम केक और पिज्जा, केक और पिज्जा बोथ हैव सेक्टर्स ऑफ सर्कल, एंड आवर टास्क इज टू डिटरमाइन एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, हमें क्या करना है, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे हम उसे समझते हैं।